अखबार के मेन पेज पर खबर थी, बहू ने ससुर को बहकाया और दोनों घर से हुए फरार। इस खबर को पढ़कर तो पूरे मोहल्ले में ही सुसाहट मच गई थी। तभी मालती मुरारी को चाय थमाते हुए अखबार उठाती है। हे राम, ये आजकल की बहुएं तो बच्चलन रहती ही है, मगर ए जी, तुम क्या चाय की चुस्कड़ियां ले रहे हो? इधर लाओ, मेरा तो बीपी ही चस्पूस चस्पूस हो रहा है आज की खबर पढ़ के। ठंड रख मालती, ठंड रख। अरे मैं क्या ठंड रखूं, ये बहुएं तो उल्टा रहती ही है, मगर ये ससुरे ससुर, इनको कौन सी जन्म जन्म की आग लगी पड़ी है जो हरामखोर बुझी नहीं रही। ये तो अच्छा हुआ तुम ठंडे पड़ गए हो, वरना तो निमोली बेटा, तेरी सास का बीपी बढ़ रहा है, ये अखबार ले जा। और सुंदर सी निमोली मुरारी की एक आवाज में दौड़कर अखबार हटा लेती है। ये देख मालती का माथा ठनका। एक सेकेंड, जब मैं आवाज लगाती तब तो तेरे कानपुर में दिल्ली का चक्का जाम हो जाता है। मैं चीख चीख कर बहरा जाती हूँ, मगर ये निमोली आती ना, और इनकी एक आवाज में भाग कर आ गई। हाँ वो माँ जी, वो मैं डैडी जी की आवाज आई तो बस। अरे माँ, तुम ये हल्ला हुल्ला पत्रिका मत पढ़ा करो, ये सब यूं ही खबर छापते हैं। तुम मस्त रहो, मेरी निमोली नाम से ही मीठी है, वैसे एकदम नीम के पत्ते जैसी कड़वी है ये तो मैंने पटा लिया इसे। बाबूजी में वो बात नहीं जो निमोली घास भी डाले। राम 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 राम। माँ बेटे दोनों ही कैसी अश्लील बातें कर रहे हो। मालती, निमोली मेरी बेटी जैसी है। क्या बेटी जैसी, ला रे निमोली अखबार दे तो। लो जी, अखबार की दूसरी साइड पढ़ो जरा। ससुराल से भागकर आई बेटी ने बोला, मुझे डैडी ही पसंद है। लो सुन लो, देखा, ये भी तो डैडी ही बुलाती है तुमको। बच के रहना, आजकल ये डैडियों संग भी लीलाएं हो रही हैं। कलजुग है भैया, घोर कलजुग, मैं तो राम नाम जपूंगी बस। मुरारी और मालती एक दूसरे की ओर चोर निगाहों से देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं। दोपहर में जब निमोली अकेली रसोई में थी तो मुरारी बहाने से वहां आता है। ये सब ठीक नहीं हो रहा। हाँ डैडी जी, ये सब ठीक नहीं हो रहा, अखबार में भी अभी खबरों का आना था, ऐसे में अब हम मिल नहीं सकेंगे। अरे उस मालती की दोनों आंखें घूरती जो रहेंगी, कुछ तो सोचना होगा निमोली, तुमसे मिले बिना कैसे रह पाऊंगा मैं। अब तो वो रास्ता भी बंद हो गया डैडी जी, क्या ही करें। एक रास्ता है, जो हम दिन में छिपकर मिलते थे वही हम रात में भी तो छिपकर मिल सकते हैं, तुम अगर राजी हो तो। ओ यस डैडी जी, ये तो फाड़ू प्लान है, रात में हमें कोई देख भी नहीं सकेगा और दोनों आराम से। आराम से? दोनों आराम से क्या निमोली, रात में दोनों आराम से क्या? अरे मालती, कुछ नहीं, बस बहू बेटे के साथ पिक्चर देखने जाना चाह रही है नाइट शो पर, तो मैं कह रहा था रात को आराम से एंजॉय कर सकोगे, हो आओ। मुरारी सक पका कर वहाँ से चला गया, मगर मालती कुछ अलग माजरा भाप लेती है और मोहित के पास जाती है। मोहित बेटा, ये बहू ससुर में कुछ तो गलत सलत चल रहा है, मैं सब देख कर सूंघ कर बता सकती हूँ। माँ, मुझे भी निमोली कुछ बदली बदली सी लग रही है। हाय मेरी तो फूटी किस्मत, मुझे क्यों लग रहा है कि आने वाले अखबार में मेरी ही खबर छपेगी, उल्टा बहू की सास लटकी खंभे से, बहू और पति ने चलाया चक्कर, सदमा नहीं सह सकी। नहीं माँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी तू, अगर निमोली उल्टा बन रही है तो वो लटके, हम क्यों लटके, आज उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। रात का समय आता है और निमोली दबे पांव मोहित के कमरे से निकलने लगती है और एक बंद कमरे का दरवाजा खोलकर उसमें चली जाती है। मोहित ने आंखें खोल ली थी, वहीं दूसरी ओर मुरारी भी मालती को सोता छोड़ निमोली के पीछे उसी कमरे में चला जाता है। माँ निमोली तो गई। हाँ तेरा बाप भी बस अभी गया है उस बहुरिया के पीछे, चल देखते हैं माजरा। और दोनों कमरे के बाहर कान लगा लेते हैं, उनको आवाजें आ रही थी। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे ख्वाबों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली मेरी हंसनी। अरे डैडी जी, हाउ रोमांटिक यू आर, सुनकर तो हर कोई पड़ जाए, और बोलो ना डैडी जी। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ ला दूंगा मैं। सच कहूं निमोली, वो दिन भी क्या दिन थे जब हमारी निगाहें मिली, फिर मैंने उन निगाहों को अपनी निगाहों से चूम लिया, और वो रसीले होठ, उफ क्या लाल होठ थे वो दिन क्या लौट कर नहीं आ सकते। आएगा डैडी जी, जरूर आएगा, और हम दोनों यहाँ किस लिए मिले हैं, ताकि आपको प्यार मिल सके। मोहित और मालती ये सुनकर अपना सिर पटक लेते हैं, फिर दरवाजा पीटते हैं। एक उल्टा बाहर आ, जल्दी बाहर आओ दोनों, आज रंगे हाथ पकड़ोगे दोनों मौशूकों को। मुरारी और निमोली ये देख हड़बड़ा जाते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं तो मालती और मोहित लाल पीले हुए खड़े थे। निमोली छी, पापा के साथ ये सब,
शर्म नहीं आती? अरे बेजाई कल्लू कबाड़ी वाले के साथ शर्म ये कंजर तो। और तुम मुरारी, तीरथ की उम्र में ससुरे को आशिकी चढ़ी है। अरे मोरी तो किस्मत के दिवाला ही लग गया मैया, मैं बर्बाद हो गई। माँ जी आप मेरी बात तो सुनिए, ऐसा नहीं है, ये सब जो देखा ये सच नहीं है। चुप बेशरम। ओहो बस तुम चुप और मेरे साथ अंदर आओ। मुरारी मालती का हाथ पकड़ता है और निमोली मोहित का हाथ पकड़कर खींचकर अंदर ले जाती है। कमरे में अंधेरा था। डैडी जी एक्शन। और मुरारी बत्ती चालू करता है तो मालती चौंक जाती है। सामने बर्थडे की बहुत शानदार डेकोरेशन थी और मालती का नाम लिखा था। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। ये सब तो रात में शांति इसलिए चाहिए थी और मैं ना जाने क्या सब। निमोली ये तो, हाँ शैतान दिमाग वालों, ये था सच। और क्या क्या सोच रहे थे तुम? मालती ये सब निमोली का प्लान था। वो जानती है कि तुम कितना परेशान रहती हो, तो उसने तुमको स्पेशल फील कराने के लिए ये सब किया। नहीं मम्मी जी, सब डैडी जी का कमाल है। ये आपको रोमांटिक अंदाज में सरप्राइज देना चाहते थे ताकि अब गुस्सा थोड़ा कम और प्यार ज्यादा करो। हम 10 दिन से चुपके से उसी की तैयारी कर रहे थे। ये सुन मालती मुरारी के गले लग जाती है। सुनिए जी निमोली बेटा, मैं ही पागल हूँ जो अपने भोले पति और प्यारी बहू के लिए गलत सोचने लगी थी। ये सब तुम्हारा नहीं, उस हल्ला हुल्ला अखबार का किया धरा है। मसालेदार खबरें हमारे दिमाग में मसाला ही तो भर देती हैं। आज से वो अखबार बंद, ठीक है? आई एम सॉरी निमो, इधर आओ। और सब इकट्ठा होकर मालती का बर्थडे मनाते हैं। दोस्तों हम भी निजी जीवन में ऐसी खबरों को देखकर अपने दिमाग में शक या गलत धारणा बना लेते हैं जो कि गलत है। इसलिए मसालेदार खबरों के मसाले से अपनी दुनिया में छौका ना लगाएं और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहिए कहानी बात शो केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।